फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी पोहा सैंडविच रेसिपी। इसमें हम बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करेंगे और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी होने वाली है। सबसे पहले हम पोहे को 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। पाँच मिनट बाद पोहा फूल करके रेडी है। अब इसको हम एक मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। सारा पोहा हम इसमें डाल देंगे। हम एक कटोरी सूजी ले लेंगे। जितना हमने पोहा लिया उतनी हमें सी से नाप करके हमें उतने ही सूजी लेनी है। और पौना कटोरी हमने दही ले लिया है। और ये 6 से 7 कलियां लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च डाल दिए। और सबको थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से थिक पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट बन करके रेडी है। अब इसमें से हम आधा पेस्ट निकाल लेंगे एक मिक्सिंग जार में, सॉरी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। आधा वो बैटर हम जार के अंदर रहने देंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। और हमने एक इनो का पाउच लिया है, इसमें से हम आधा इनो अभी ऐड करेंगे और आधा इनो हम बाद में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने ये एक थाली ली है जिसको हमने पहले से ऑयल ग्रीस करके रखा हुआ है। ऑयल ग्रीस करने से बैटर हमारा थाली में चिपकेगा नहीं, सारा बैटर हम इस थाली में ट्रांसफर कर देंगे जो हमने अभी बनाया है। और टैप टैप करके अच्छे से सेट कर देंगे। ये हमने कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने पहले से पानी गर्म किया हुआ है। बीच में एक स्टैंड रख करके या इस तरह से आप एक कटोरी रख सकते हैं। 10 मिनट के लिए इस बैटर को स्टीम होने के लिए रख देंगे। हमने ये एक बड़े साइज का बॉइल्ड आलू लिया है, इसको अच्छे से मैश करेंगे। और इसमें हमने कुछ मसाले ऐड करे हैं जिसमें आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच नमक, काला नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हैं। और ये हमने 2-3 कलियां लहसुन के लिए जिनको बारीक काट लिया है, और आधा प्याज लिया है और फ्रेश धनिया लिया है। और इसमें हम 1 चम्मच मैगी मसाला ऐड कर देंगे। मैगी मसाला डालने से इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप इसमें सांभर मसाला या पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच हमने इसमें आमचूर भी ऐड करा है। दस मिनट बाद हम अपना बैटर चेक कर लेंगे। अब हम अपना बैटर को निकाल लेंगे। और जो हमने आलू की स्टफिंग बना करके रखी है उसको हम इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आलू स्प्रेड करने से पहले हम इस पर अपनी कोई भी सॉस लगा लेंगे। हम इसमें चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पास्ता सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप कोई और भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक टमाटो केचप, चिली सॉस। आलू अच्छे से हमने स्प्रेड कर दिए हैं। अब इसमें जो हमारा बाकी का आधा बैटर बचा हुआ है उसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। आधा चम्मच नमक और आधा इनो का पाउच डाल करके अच्छे से मिक्स करके आलू की स्टफिंग के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर से हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टीम होने देंगे। 10 मिनट पर ढक्कन हटा करके चेक कर लेंगे। हमारा बैटर अच्छे से पक चुका है
अब इसे हम 2 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद दूसरी थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे टैप टैप करके दूसरी थाली पर निकाल देंगे। ये इजीली रिमूव हो जाता है। आप इसे अपनी मर्जी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसे सैंडविच के शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। और ये इजीली आराम से कट जाता है। और देखिए फ्रेंड्स कितना स्मूथ बना है ये, और बहुत ही सॉफ्ट है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर ग्रीस करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे सैंडविच तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और ये यमी रेसिपी है। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।